स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्न टू स्पीक फ्रेंच। सो आज का जो चैप्टर है, आज का जो वीडियो है, वो बेस्ड है नंबर्स पे। ठीक है, हम लोग फ्रेंच के नंबर्स को सीखने जा रहे हैं आज। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच का जो नंबर स्टार्ट होता है, कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन फ्रेंच में उसको दूसरे तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच में कैसे बोलते हैं ये हम सीखेंगे प्रोनंसिएशन के साथ और उसके स्पेलिंग के साथ। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला नंबर लिखा हुआ है जीरो। इसको फ्रेंच में बोलते हैं जेरो। जेरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ई पर ए की मात्रा लगी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा एक्सेंट है, ये एग्यू या ग्राफ? आप हमें कमेंट में करके बताइएगा ये एग्यू एक्सेंट है या ग्राव एक्सेंट है। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है एक्सेंट्स पे, मात्राओं पे, तो आप उसको देख कर मुझे कॉमेंट में बताइएगा। इट इज जेरो। ठीक है, जेरो। फिर आएगा आ, वन को बोलेंगे आ, देन टू को द, द, देन त्रुआ, त्रुआ, देन कैत्र, कैत्र, देन सैंक, सैंक, सीस, सीस, सेप्त, सेत, वीत, वीत, नफ, Now, these, okay, then ONJ, 11 is ONJ, DOOJ, TREZ, KATORJ, आराम से बोलिए इसे, KATORJ, इसको भी KANJ, SAJ, दी सेत, दी सेत, दी ज्वित, दी ज्वित। यहाँ पे एक्स और एच एक साथ मिल रहा है तो इसका साउंड दी ज्वित हो जा रहा है। ठीक है, दी ज्वित, दी नफ, दी नफ, और 20 को बोलेंगे वा, वा। ओके, तो आई थिंक आपको सारे प्रोनंसिएशन क्लियर हो गए हैं और 20 तक बहुत ईजिली आपने फ्रेंच के नंबर सीख लिए। इट्स नॉट वेरी टफ, बहुत ईजी है। बस एक दो बार आप इसको सुनिए वीडियो को, सब क्लियर हो जाएगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प्स टू यू टू लर्न फ्रेंच, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मर्सी एंड ओ रवार।